योगी सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन योजना घर घर जल योजना में हजारों करोड़ों का घोटाला किए जाने को लेकर राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह द्वारा आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हजारों रुपए के घोटाले का भंडाफोड़ किया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2020-21 में राज्यों को 1,20,000 करोड़ का आवंटन किया गया था, किंतु इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं अन्य अधिकारी के द्वारा किए गए हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर पहुंचाने हेतु सप्लाई के कार्य राशि मेटेलिक्स नामक कंपनी को दिया गया। इस कंपनी का भ्रष्टाचार एवं निकृष्ट पाइप बनाने में लिप्त रहने का इतिहास रहा है। केंद्रीय अधिसूचना ब्यूरो ने अपनी जांच में पाया था कि ये कंपनी फर्जी निवेश तथा फर्जी सेल कंपनियां बनाने में लिप्त है। मध्य प्रदेश, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल समेत देश के 8 राज्यों तथा सेना के द्वारा इस कंपनी को भ्रष्टाचार एवं निम्न गुणवत्ता के कारण ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करते हुए मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा गया, जिसमें इस घोटाले के संदर्भ में जांच की मांग की गई है। देखिए, अब ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो आकंठ यानी गले तक भ्रष्टाचार और घोटालों में डूबी हुई है। कभी ये सरकार ऑक्सीमीटर खरीदने के नाम पर घोटाला करती है और कभी ये सरकार बच्चों के वेंटिलेटर खरीदने के नाम पर घोटाला करती है। कभी ये सरकार इसने तो अब आकर पानी को भी नहीं बख्शा। इन लोगों ने पानी जो घर घर पहुंचाने की जल जीवन मिशन एक योजना थी, उसको उस योजना के अंतर्गत भी इन्होंने 30,000 करोड़ का घोटाला किया है, जिसके तहत इन्होंने एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पाइप का ऑर्डर दिया है, पाइप सप्लाई करने का ऑर्डर दिया है जो कि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है और उसके पाइप बेहद ही घटिया क्वालिटी के हैं, जिससे कि घर घर पानी पहुंचने की बजाय पानी ही नहीं मिल पाएगा और बीमारी लोगों के घर तक पहुंचेगी। और इसके साथ साथ ये सारा भ्रष्टाचार और घोटाला ये योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो बिल्कुल करीबी मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उनकी देखरेख में ये हुआ है, क्योंकि जल जीवन मिशन योजना को वही पूर्ण रूप से देख रहे हैं, हर तरह का कार्य वही कर रहे हैं। इसलिए ये भ्रष्टाचार मंत्री महेंद्र सिंह का नहीं, ये भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ की देखरेख में हुआ है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है और आज हमने इन्हीं मांगों को लेकर के इस जल जीवन मिशन में जो भी भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, हमने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल के नाम कि इस घोटाले के अंदर जिन जो जो लोग लिप्त हैं उनको जो है जांच हो, सीबीआई जांच हो और उनको जो कार्रवाई हो उनके ऊपर, उनको जेल भेजा जाए, उनको फांसी है। वो ब्लैकलिस्ट कंपनी कौन सी है जिसने ये सब? वो ब्लैकलिस्ट कंपनी है रश्मि मेटल्स। रश्मि नाम की जो कंपनी है वो पंजाब, हरियाणा और अदर बहुत सारे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, क्योंकि उसके पाइपों की क्वालिटी बेहद घटिया है और वो किसी भी रूप से मानकों पर खरी नहीं करते। किस अंदाज में आपके द्वारा प्रदर्शन किया है? आज हम लोगों ने क्योंकि जल जो है वो पानी वो मटके में पहले भरकर हम लोग लाते थे और उसी मटके को लेकर आज हमने ये मटका फोड़कर ये प्रदर्शन किया है योगी सरकार के खिलाफ कि योगी सरकार ने पानी को भी नहीं बख्शा, उसमें भी भ्रष्टाचार और दलाली का काम किया।